डेवियो सज्जनों नमस्कार, जय हिंद। मैं फौजी फॉर्म के ऊपर सोल्जर्स विजन चैनल के ऊपर मैं कंटोनमेंट बोर्ड दिल्ली की बात करूंगा आज, जिसमें दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के जो स्कूल्स हैं उनमें कुछ जो प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में बात करूंगा। हमें पता चला है कि जिन शिक्षकों को 12 साल पहले गहन चयन प्रक्रिया के बाद नियुक्त किया गया था, उन्हें अब दोबारा परीक्षा और संभावित बर्खास्तगी का सामना करना पड़ रहा है। मैं इन समर्पित शिक्षकों के लिए निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में सरकार के हस्तक्षेप का अनुरोध मैं करता हूँ। यह आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों ने व्यक्तिगत संतुष्टि के बदले अपने स्वयं के उम्मीदवारों को शामिल करने के गुप्त उद्देश्य से नए परीक्षण आयोजित करने के लिए CEO दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड पर अनुचित प्रभाव डाला जा रहा है। प्रवेश, नौकरियों और अन्य मुद्दों को लेकर दिल्ली कैंट में कुछ लोगों के खिलाफ निवासियों द्वारा भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप भी लगाए गए हैं। दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के कई पूर्व पार्षदों ने जो भाजपा से संबंध रखते हैं संयुक्त रूप से भाजपा के माननीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को पत्र लिख करके भी सभी घटनाक्रमों से अवगत भी करवाया है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी इस पे कोई एक्शन होगा। विचाराधीन शिक्षक पहले ही एक कठोर चयन प्रक्रिया से गुजर चुके हैं और 10 से अधिक समय तक लगन से सेवा कर चुके हैं। वैध कारणों या गलत काम के सबूत के बिना उन्हें दोबारा परीक्षण और संभावित बर्खास्तगी के अधीन करना अन्यायपूर्ण है। यह निवकल उनकी पेशेवर अखंडता को कमजोर करता है, बल्कि उनकी आजीविका और छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है। मैं बताना चाहूँगा, ये लोग और कोई नहीं है, MES एवं कंटोनमेंट बोर्ड के कर्मचारियों के बच्चे हैं जो बेरोजगार थे, जिन्होंने हर टेस्ट में क्वालिफाई किया और तब उनका उस टाइम पे चयन हुआ था। मैं सरकार से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, शिक्षकों के लिए जबरन पुनः परीक्षण और नए चयन बोर्ड को रोकने के लिए CEO दिल्ली कंट्रोल बोर्ड और स्टेशन कमांडर दिल्ली कैंट को स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएं। उनकी नियुक्तियों को वैध माना जाना चाहिए और उनकी सेवा के वर्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि नियुक्ति और मूल्यांकन की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जाए। इसमें ज़्यादा मेरे दोस्तों महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, जिनको रोजगार से निकाला जा रहा है। मैं एक बार फिर सरकार से गुहार लगा रहा हूँ, माननीय रक्षा मंत्री से गुहार लगा रहा हूँ, CEO दिल्ली एरिया से गुहार लगा रहा हूँ, स्टेशन कमांडर दिल्ली कैंट से गुहार लगा रहा हूँ, CEO दिल्ली कैंटमेंट बोर्ड से गुहार लगा रहा हूँ। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ कि इन बेटियों को जो 12 साल से ईमानदारी से काम कर रही है, इनको कंटिन्यू करवाया जाए। और ऐसे लोग जो वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कुछ लोगों को तो बकस दो आप, बहुत हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।